गाइस, दिस इज आशीष। स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल मनी ग्रो डिजिटल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TRX के बारे में, ट्रॉन के बारे में बेसिकली। तो यहाँ पे TRX का प्राइस क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसके बारे में बात करूँगा, और मैं अपना एनालिसिस बताऊँगा कि इसका प्राइस कितना जा सकता है और आप इस TRX के पंप से फ़ायदा कैसे ले सकते हैं अगर आपने अभी भी इसे बाय नहीं किया है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का एड्रेस दिया हुआ है, तो उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, जिससे सारी अपडेट आपको हमारी मिलती रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका प्राइस, आप देख सकते हैं TRX का कंटिन्यू जो है आप होता जा रहा है। और यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अपने प्रीमियम मेंबर के साथ में मैंने शेयर किया था जब उसका प्राइस 360 था, और आप लोगों के साथ में भी, फ्री मेंबर के साथ में भी शेयर किया था जब इसका प्राइस अराउंड 400 के अप्रॉक्स था, अगर आपने देखा हो। और यहाँ पे अभी जो है 445 टच कर चुका है, और आगे कितना जाने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, पर पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पंप क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी बहुत बड़ा रीज़न नहीं है पंप होने का, रीज़न बस ये है कि जो इसके CEO हैं जस्टिन सन, उन्होंने एक 26 तारीख को ट्वीट किया था जहाँ पे उन्होंने लिखा था, समथिंग ह्यूज एंड अमेजिंग गोइंग अबाउट ट्रॉन एंड बिट टोरेंट, आई विल शेयर विथ यू आफ्टर June 1, आई थिंक आई हैव 70% टू विन एंड नेल इट, फिंगर्स क्रॉस TRX और BTT का। यहाँ पे उन्होंने एक तरीके से सिंबल दिया हुआ है। तो इन्हें वैसे ही दोस्तों पंप डंप किंग कहा जाता है, और देख सकते हैं 4285 लाइक हैं इनके, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे पंप डंप करते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि आज तो 1 जून निकल गई, पर ये क्या हुआ, ऐसा कुछ न्यूज़ तो आई नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इन्होंने एक और ट्वीट कर दिया है जहाँ पे इन्होंने कह दिया है कि यस वी डिड इट, बिग विन फॉर द ब्लॉकचेन कम्युनिटी, बिग रिवर्स June 3, और स्टे ट्यून है, जहाँ पे 2310 लाइक इनके आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा रिट्वीट भी हो गए हैं। और अगर ट्विटर पे बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अभी TRX की ही बात चल रही होगी, और यही रीज़न है दोस्तों इसके पंप का। अब न्यूज़ क्या आने वाली है ये तो हमें नहीं पता है, पर चूंकि इनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, ये पंप डंप किंग है, तो ये किसी भी कॉइन को, चाहे वो BTT हो, चाहे वो इनका TRX हो, उसको पंप करा सकते हैं। और भी अगर ये दूसरे कॉइन की भी न्यूज़ डाल देंगे ना, तो मुझे लगता है वो भी पंप हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक रीज़न जिसके कारण ट्रॉन पंप हो रहा है, और अभी जो है इसका कोई भी न्यूज़ नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ अभी जो है इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसके कारण इतना प्राइस पंप हो चुका है। और अगर अभी आप देखेंगे तो ट्रॉन जो है मेरे वीडियो बनाते बनाते 10th रैंक पे आ चुका है, और सिर्फ यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हैं 447 सतोसी है, 455 सतोसी यहाँ पे टच कर चुका है। पर अगर आपने अभी तक इससे प्रॉफिट नहीं जनरेट किया है, तो एक और चांस मैं आपको बता रहा हूँ, वो उससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे अगर आप इस थोड़ा सा इसे ध्यान से देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस ट्वीट की, जो कि है यहाँ पे 6 मई का ट्वीट, और अब मैं ले चलता हूँ आपको चार्ट पे। तो अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 मई का ट्वीट है जहाँ पे ट्वीट किया था इन्होंने, और मैंने यहाँ पे किया है जस्टिन पंप ट्वीट, ठीक है, इसका नाम दिया मैंने जस्टिन पंप ट्वीट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो है 6 मई का ट्वीट था जहाँ पे प्राइस जो अगर आप देखेंगे तो अराउंड 404-405 के पास में था, और सिर्फ उसके इसके ट्वीट के बाद में यहाँ पे जो अगला 7 तारीख जो है वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो 433 को इसने टच किया है, ठीक है। पर ये ज़रूरी नहीं होता दोस्तों कि हर समय ट्वीट पे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, जैसे अभी इस बार हुआ है, काफ़ी बड़ा इन्होंने पंप कराया है क्योंकि एक कुछ बड़ा न्यूज़ लेके आ रहा है, उस समय इतना बड़ा न्यूज़ नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा न्यूज़ था कि ट्रॉन विल बी बैक टू टॉप 10 इन जून, BitTorrent विल बी इन टॉप 30। इसका मतलब लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था कुछ ना कुछ ये बड़ा करने वाले हैं जिससे इसका प्राइस जो है ऊपर आ जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई थी। पर यहाँ पर ये इन्होंने जल्दी उस चीज़ को रिवील नहीं किया, बहुत बड़ा ये धमाका नहीं कर पाए, जिसके कारण प्राइस ड्रॉप हुआ। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस गिरा है दोस्तों 13 मई तक जो है 42% के अप्रॉक्स जो है इसका प्राइस डंप हुआ, और उसके बाद से उठना चालू हुआ। और यहां पे अगर आप देखें तो ये पूरा साइडवेज ही चल रहा था, और यहां पे जहां पे अगर आप ये सेकंड ट्वीट देखें जो कि है ये वाला,
26 का, वहाँ से ये वापस से प्राइस मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। 340 के अराउंड प्राइस चल रहा था, साइडवेज में था, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, पर इन्होंने यहाँ पे एक और ट्वीट मारा जहाँ पे इन्होंने ये किया, ये ट्वीट किया, और उसके बाद में आप प्राइस देख सकते हैं धीरे से कंटिन्यू जो है ये अप स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे जो मेरा अगला टारगेट था ये मैंने बना रखा था 460 का, मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी सिग्नल दिया था, और देखिए 460 यहाँ पे लगभग टच करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी हमारे पास दो दिन है, कल का और परसों का, इन दो दिनों के अंदर मुझे लगता है कि प्राइस जो है 460 से यहाँ पे 500 तक टच करना चाहिए। हो सकता है 520 तक भी जाए, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है, 500 टू 520 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इसे बाय करके प्रॉफिट नहीं किया है तो देखिए 3 तारीख को यहाँ पे न्यूज़ आने वाली है। अब हो सकता है ये एक और 3 तारीख को नया ट्वीट कर दे, तो फिर सोचिएगा कि 500 से भी ऊपर और जा सकता है, ठीक है। अगर ये 3 तारीख को ट्वीट कर देते हैं, न्यूज़ आ जाती है, कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ होती है, तो फिर प्राइस 550 से 500-600 तक जाएगा। पर जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये है कि जब भी न्यूज़ आ जाती है तो लोग वहाँ से सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, और मैं अगर यहाँ से सेल करना चाहूँगा तो मैं 550 तक वेट करूँगा, 550 के अराउंड जो है मैं वहाँ से सेल की बिड लगाऊँगा, मतलब मैं शॉर्ट करूँगा। और अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं, पर ये कोई फाइनेंशियल एडवाइज नहीं है। मैं उस समय भी देखूँगा कि अभी क्या प्राइस मूवमेंट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूँगा, ये नहीं कि मैं एग्जैक्टली 550 पे जाके शॉर्ट कर दूँगा। तो आप भी उस समय अपने जितना अच्छा हो आपका डिसीजन, जितना अच्छा हो आपका एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग जो है आप शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मिनिमम आपको 20% तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, 380 तक वापस प्राइस आना चाहिए, जो कि ये है, यहाँ तक जो है प्राइस आना चाहिए, जहाँ से ये उठना स्टार्ट किया है ये 380 के अराउंड आना चाहिए। अगर यहाँ से देखा जाए तो फिर भी 20% के अप्रॉक्स आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए इजीली। और मेरा जो वहाँ से गिरने का जो टारगेट है वो 380 का है, पर मैं कोशिश करूँगा कि 10-15% के अप्रॉक्स जो है मैं अपनी बिड को कैंसिल करूँ। पर ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ अभी इस वीडियो में, पर आपको डिसीजन लेना है उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आपने अभी लॉन्ग करके अगर प्रॉफिट नहीं किया है तो आप शॉर्ट करके प्रॉफिट कर सकते हैं, और डेफिनेटली यहाँ से प्राइस ड्रॉप होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% के अप्रॉक्स जो है न्यूज़ नहीं आई तो यहाँ से ड्रॉप हुआ है। यही अंदाज़ा मैं यहाँ से भी लगा रहा हूँ, 550 के अप्रॉक्स जो है शॉर्ट की ट्रेड एक बनती है, और वहाँ से एटलीस्ट 20% तो आपको मिलेगा ही ईजी। बाकी अभी देखते हैं सिचुएशन क्या होती है। तो ये थी दोस्तों मेरी वीडियो, मेरा एनालिसिस TRX के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको इस तरीके के वीडियोस और भी देखने को मिलते रहें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।